मानसेरा टू अहमदाबाद बाय रोड ट्रैवल करेंगे। तो ये हम लोग का फैमिली ट्रिप है और हम लोग हज़ारा मोटरवे के थ्रू ट्रैवल करेंगे और ये हम लोग का फैमिली ट्रिप है और हमारे साथ दो गाड़ी जा रही है, एक सुजुकी कल्टस और एक टोयोटा की इंडस करोला। और मैं आपको रोड व्यूज भी पूरे पूरे दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि टूल प्लाजा में कितने कितने टैक्स लगा और किस किस जगह टूल प्लाजा। मजीद वीडियो से पहले लाइक करें, हमारे चैनल टूरिज्म लोकेशन एंड इवेंट्स को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। इस वक्त सुबह के 8 बजे है और हम लोग लारी अड्डा से नाश्ता कर चुके हैं। आप लोग गूगल मैप में भी देख सकते हैं कि हम M15 की तरफ जा रहे हैं। हम M15 से कलंदराबाद जाएंगे और कलंदराबाद से N35 पे आ जाएंगे। N35 हमें सीधा एबटाबाद ले जाएगा। बस हम लोग अब M15 पे पहुंचने वाले हैं। ये M15 है जिसे हजारा मोटरवे भी कहते हैं। ये टनल जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं ये इतनी बड़ी है कि ख़त्म ही नहीं होती, ऐसा लगता है कि आप सबवे में ट्रैवल कर रहे हैं। टूल प्लाजा पे हमें पर्ची मिली है जिसका टैक्स हम लोग अगले टूल प्लाजा पे करेंगे। केपीके की खास बात यह है कि इधर के रोड टैक्सेस बहुत कम है, यानी कि आधे के भी आधे। ये बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है और आसपास बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप भी है। ये जो रेस्ट एरिया है यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं। गाइस अभी हम लोग एक रेस्ट एरिया पे रुके, तो इधर से हम लोग ने वॉशरूम चले गए, हम लोग ने चीज़ें ले ली। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब शायद हम लोग आगे भी एक आध रेस्ट एरिया पे रुके। और ये मानसेरा के बाद हमारा पहला रेस्ट हाउस है, तो अब भाई देखते हैं आगे। ये कलंदराबाद टूल प्लाजा है। इस टूल प्लाजा का टूल टैक्स 30 रुपीज़ है जो कि बहुत ही मुनासिब है। हम यहाँ से राइट की तरफ मुड़ रहे हैं और हम अब N35 पे हैं। बस अब आधे ही घंटे का रास्ता रह गया है एबटाबाद पहुँचने में। गाइज़ हम लोग एबटाबाद पहुंच चुके हैं, तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट लगे हैं मानसेरा से एबटाबाद पहुंचने में। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर देगा और बेल आइकन भी दबा देगा ताकि जो भी नई वीडियो आप लोग को पता लग जाए। और आज के लिए इतना ही। ये हम हैं, ये हमारी गाड़ियाँ हैं, जितना फ्यूल और टोल टैक्स लगा है वो सारी डिटेल मैंने आप लोग को स्क्रीन पर दे दी है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगर ऐसे ही और व्लॉग्स चाहिए तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर देगा और कमेंट भी कर देगा और बेल आइकन भी दबा देगा। और तब तक के लिए मुझे सुफियान फारूकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।